Welcome to the channel Time with Grace, a new day with a new recipe. आज व्रत के तीसरे दिन जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये सावा या इसे भगर भी कहा जाता है, उसकी बनी हुई चीले की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज हम मिल के बनाते हैं सावा के चीले। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 2.5 कटोरी सावा या भगर ले लिया है। इसे हमारे एरिया में सावा कहते हैं, महाराष्ट्र में इसे भगर कहते हैं। तो ये इजीली ग्रोसरी शॉप में आपको मिल जाएगा, 1/2 kg, 1 kg का पैकेट मिलता है। तो इसके चीले बनाने के लिए मैं 2.5 कटोरी सावा ले ली हूँ। इसमें मैं 1/2 कटोरी साबूदाना ऐड करूँगी इसका बेस बनाने के लिए, क्योंकि अकेले सावा का चीला नहीं बन पाता, उसके बेस के लिए मैं यहाँ पे साबूदाना ऐड करूँगी। तो दोनों को अच्छे से धोकर मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगा दिया है। ये देखिए 5 घंटे बाद ये आराम से भीग चुका है, साबूदाना भी हमारा अच्छे से फूल गया है और जो सावा है वो भी अच्छे तरीके से भीग गया। अब मैं इसका पानी निकाल के इसका बैटर बना दूँगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप इसका बैटर बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको पानी ऐड नहीं करना है। ये देखिए, ये हमारा साबूदाने और सावा का बैटर रेडी है। इसको आपको बहुत थिक नहीं रखना है, थोड़ा पतला रखना है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है। रॉक सॉल्ट ऐड किया है मैंने, क्योंकि ये व्रत की रेसिपी है। अब मैं इसको अच्छे से एक बार चला लूँगी और अब हम इसमें साबुत जीरा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून जीरा यहाँ पे ऐड कर दी। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च बारीक काट के डाल सकते हैं, धनिया पत्ती डाल सकते हैं, बट मैं इसको बहुत सिंपल रखा है, सिर्फ रॉक सॉल्ट और जीरा ऐड किया है। इसको अच्छे से हम एक बार चला लेंगे और हमारा सावा का बैटर रेडी है। अब इसके साथ आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं। इसके लिए मैं 7 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करके छिलका निकाल के रख ली हूँ। उसको फ्राई करने के लिए करी पत्ता, ज़ीरा, 2 टमाटर की प्यूरी और 4 हरी मिर्च मैं निकाल के रख ली हूँ। अगर आप व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं तो इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी कढ़ाई गरम हो रही है। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जीरा मैंने ऐड कर दिया। इसको थोड़ा गोल्डन होने देंगे। अब इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। व्रत में कई लोग टमाटर नहीं खाते, तो अगर आप भी टमाटर नहीं खाते तो बिल्कुल टमाटर वाला जो है उसको आप स्किप कर सकते हैं। बिना टमाटर के भी आप आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं करी लीव ऐड कर दे रही हूँ। करी लीव डालने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा होता है। तो आपने मेरे बाकी भी व्रत वाली रेसिपीज़ में देखा होगा, मैं करी लीव का बहुत यूज़ करती हूँ। आप व्रत में सूखे आलू की भी सब्ज़ी बना सकते हैं, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब टमाटर की जो मेरी प्यूरी थी वो मैंने ऐड कर दी। इसको अच्छे से मैं एक बार चला लेती हूँ। यहाँ पे रॉक सॉल्ट और ज़ीरा पाउडर मैंने निकाल लिया है। ये देखिए मेरी जो प्यूरी है वो बस पक रही है। अब हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे।
यहाँ पे 1.5 चम्मच रॉक सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया। इसको अच्छे से आप एक बार चला लीजिए। अब हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और कोई भी मसाला हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये व्रत का खाना है, इसलिए ज़ीरा पाउडर से ही इसमें कलर आएगा और फ्लेवर इंक्रीज होगा। तो आप 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसमें आलू को डाल दूंगी। आलू ऐड करने के बाद इसको अच्छे से एक बार आप मिला लीजिए और इसको फ्राई होने दीजिए। ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत डिलीशियस लगता है और बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। आलू को मैं एक बार अच्छे से मिलाकर भूंजने दूंगी। स्लो फ्लेम में आपको इसको भूंजना है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है, तो इसका जो कलर आएगा वो भूंजने से आएगा। आप जितना अच्छे से इसको स्लो फ्लेम में भूंजेंगे उतना अच्छा इसमें कलर आएगा। तो मेरा आलू ऑलमोस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए, मैंने पानी ऐड कर दिया क्योंकि मैं ग्रेवी वाले आलू बना रही हूँ। अब इसको आपको 5 to 10 मिनट कुक करना है। यहाँ पे मैं धनिया पत्ती डाल के थोड़ा इसको गार्निश कर दूँगी। आप चाहें तो इस वक्त इसमें आधा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ा इसका फ्लेवर और अच्छा आ जाएगा। तो ये देखिए, हमारे आलू की सब्ज़ी बनके रेडी है। अब हम सावा का चीला बना लेते हैं। जो सावा होता है वो थोड़ा स्टिकी होता है, इसलिए आप उसको डोसे जैसा फैला नहीं सकते। इसको आपको हल्के हाथ से सिर्फ ऐसे डाल देना है। तो ये हमारा सावा का डोसा बनके रेडी है। आप चाहें तो इसे सूखे आलू के साथ भी खा सकते हैं और ग्रेवी वाले आलू के साथ भी खा सकते हैं। सावा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सावा बहुत हेल्दी है, तो आप इसे अपने रेगुलर डाइट में भी शामिल करिए। और इसी तरह मेरी और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल डाइन विद ग्रेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं और भी हेल्दी, डिलीशियस, इजी टू मेक होममेड रेसिपीज़ आप सबसे शेयर कर सकूँ।